हेलो गाइस, मेरा नाम है शिजांग बेलवाल और ये है मेरी वैगनार सीएनजी एलएक्सआई 2023 मॉडल, जिसको मैंने लास्ट ईयर परचेज किया था फरवरी में और 40,000 किलोमीटर इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ। तो जो कलर है मेरी गाड़ी का हुआ है मैग्मा ग्रे और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस कार के साथ। लेकिन आज जो इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मेन गाइस कि 40,000 किलोमीटर के बाद मेरी गाड़ी की हैंडलिंग कैसी है। इस पर आज इस टॉपिक पे इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि हैंडलिंग वाइज और जो स्टेयरिंग का कट वट है ये कैसे रहे इस गाड़ी के इतने 40,000 किलोमीटर्स में, क्योंकि 40,000 किलोमीटर्स मैंने एक साल के अंदर चलाई है ये गाड़ी। मतलब हमारा जो रन है गाइज वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारा रन है, मतलब मेरे फादर चलाते हैं इस कार को मेन, तो उनकी है मिक्स जगहों पे चलाने की एक जो रूटीन है इस कार का, तो वो है पहले थोड़ा सा सिटी और फिर 70% से 60% के करीब 60-70% हाईवे और फिर उसके बाद जो रेस्ट 10-15% रहता है वो है उनका एक ऊबड़ खाबड़ वाली जगह में जो कि एक बहुत गंदा रास्ता है, तो वहाँ ही गाड़ी रोज़ चलती है। तो ऐसे में गाइज अलाइनमेंट, ऐसे में गाइज टायर का घिसना और दुनिया भर की चीज़ें हैं जिसमें कार को एक अफेक्ट पहुंचता है। तो 40,000 किलोमीटर तक कार ने इसी तरीके का रूटीन फॉलो रखा है रोज़, और गाड़ी चली है दिल्ली से नैनीताल भी, काफ़ी मैंने इसका रन लिया है और जो हाईवे पे इसका एक रन रहता है उसमें भी ये गाड़ी काफ़ी चली है। तो गाइस 40,000 किलोमीटर में दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ये बहुत बड़ा नंबर है 40,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए, और उस बीच में हमारी कार की एक बार भी गाइज अलाइनमेंट नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई अलाइनमेंट करवा लो 5,000 पे 10,000 पे, लेकिन वैगनार एक ऐसा प्रोडक्ट मुझे लगा जिसकी मुझे नीड नहीं लगी कि मुझे अभी भी इसकी अलाइनमेंट करानी चाहिए। अब गाइज ये रोड है, मेरा हैंडल बिल्कुल सीधा है और आप देख सकते हैं कार मेरी कहीं नहीं भाग रही, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी चलती जा रही है। और अगर थोड़ा बहुत जो गाड़ी इधर उधर जाएगी तो वो रोड के डाइवर्जन की वजह से जाएगी और कुछ नहीं। अब ऐसे में मुझे फील नहीं होता है कि मुझे कार की अलाइनमेंट करानी चाहिए क्योंकि मेरी हैंडलिंग में कोई इश्यू ही नहीं आ रहा है, और कंपनी वाले जो हैं भाई इसके चार्ज करते हैं 1500 से 1600 रुपये, तो एक ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है एक कार के लिए। जब मैं एक नॉर्मल मतलब बंदा जो वैगनार सीएनजी चला रहा है उसके लिए सर्विस पे 1500-1600 रुपये सिर्फ अलाइनमेंट कराने के लिए, तो वो सेंस नहीं बनता है। गाइज इसकी हैंडलिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, 40,000 किलोमीटर के बाद भी कार की हैंडलिंग वैसे ही है जो डे वन पे थी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बात इसको करता हूँ कंपेयर अपनी i20 से, क्योंकि मेरे पास एक i20 भी है तो उसकी हर 5,000 किलोमीटर पर मुझे अलाइनमेंट कराने पड़ जाते हैं क्योंकि वो हो जाती है इधर उधर, और वो गाड़ी का रन भी इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल उसकी मुझे अलाइनमेंट करानी पड़ जाती है 5,000 किलोमीटर पर, क्योंकि पता नहीं उसका क्या है हिसाब लेकिन वो अलाइनमेंट जल्दी ख़राब हो जाती है उसकी और उस वजह से मेरे टायर भी जल्दी से जो है यूज़ होने लग जाते हैं। तो बात करता हूँ टायर की, अभी बात आई तो भाई इस हैंडलिंग अच्छी होने की वजह से, इस हैंडलिंग में ना कोई ख़राबी होने की वजह से इस वैगनार के जो मेरी वैगनार है इसके टायर भी अभी तक ज़्यादा यूज़ नहीं हुए, अभी भी 50% 60% जो है टायर अभी भी बचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं गाड़ी को और 60-70 हज़ार तक चला सकता हूँ, 80 हज़ार तक मान सकता हूँ कि 40,000 और चल जाएगी रो पीट के, लेकिन हाँ इतना मतलब ज़्यादा बेल्ट टायर को भी हमें नहीं चलाना है, तो मैं जल्दी इसका टायर भी चेंज करा लूँगा 70,000 पे, लेकिन अभी भी 30,000 किलोमीटर का रेंज मेरे पास अपने टायर्स की है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ हैंडलिंग और जो स्टेयरिंग व्हील के जो भी इसके एक अच्छा पॉइंट जो है कि हमारा स्टेयरिंग व्हील अलाइनमेंट नहीं खराब हुई, अलाइनमेंट खराब होने की वजह से गाइज टायर बहुत जल्दी घिसते हैं और अच्छे अच्छे टायरों की मतलब 2 मिनट में वाट लग जाती है, सब 10,000-15,000 पे उनकी हालत खराब हो जाती है। अब रही बात इसकी, मैं अगर नॉर्मल एक छोटा सा रिव्यू भी दूँ अपनी कार का, तो 40,000 किलोमीटर पर मैंने इस पर स्पेंड करी होगी 40,000 रुपये की सीएनजी, क्योंकि गाइज 1 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है इसको चलाना, 1 से 1.25 रुपये किलोमीटर के करीब, तो आप मान लीजिए 50,000 की सीएनजी लगा दी होगी मैंने अब तक 40,000 किलोमीटर पर, और कुछ कुछ किलोमीटर पर मैं पेट्रोल पर भी चलाऊँ तो आप 50-55 हज़ार रुपये इन द सेंस इन दी एक लमसम अमाउंट मान सकते हैं। अब ऐसे में कार का जो डिसीज़न है मेरे लेने का वो बहुत ही सही रहा, क्योंकि भाई मेरा रन इतना है और जब इस कार का जब मुझे एक अच्छा एक वैल्यू फॉर मनी एक रनिंग कॉस्ट इतनी कम पड़ रही है तो भाई इस कार को लेना लाजमी बन जाता है। अब मैं आपको टायर्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि टायर भी इतनी जल्दी नहीं घिस रहे हैं, तो ये मारुति का बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है। अब मैं बात करता हूँ गाइज यहाँ एक हैंडलिंग की, तो ये आप देख रहे हैं गाइज अभी भी
वैगनार का जो नए अपडेट्स आ रहे हैं 2024 के मॉडल में भी, इन लोगों ने रोटेटरी मोटर इस कार के अंदर इंस्टॉल नहीं करी। वेयर एज अगर हम बात करें इग्निस में, तो जो अब नई नई इग्निस गाड़ियां आ रही हैं, पहले इग्निस के अंदर भी ये सब नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इग्निस के अंदर भी एक रोटेटरी मोटर इन लोगों ने इंस्टॉल कर दी, जिससे स्टीयरिंग का फीडबैक इतना अच्छा हो जाता है कि वो वापस आ जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रही जो कि इग्निस में इन लोगों ने करी है मारुति की। लेकिन अगर मैं बात करूँ वैगनार की, तो आज भी वैगनार के अंदर हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती। हालांकि वी स्पेंड अराउंड 800,000 रुपीज़ इन अ कार विच इज़ नॉट दैट सफिशियंट इंजन वाइज, अगर हम इग्निस से कंपेयर करें। इग्निस का मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि इग्निस कार ही इसके एक प्राइस बजट में आ जाती है, या हम स्विफ्ट को भी बात कर सकते हैं, स्विफ्ट में भी हमें इस तरीके के स्टीयरिंग फीडबैक मिल जाते हैं, लेकिन वैगनार के अंदर हमें ऐसा नहीं मिलता। तो रही बात इस कार की, तो हाँ ये चीज़ एक डाउन साइड है जो उसमें स्टीयरिंग वापस नहीं आता, बाकी एक नॉर्मल फीडबैक हमें देखने को मिल जाता है। अब बॉडी रोल, अगर मैं बॉडी रोल की बात करूँ तो हाँ बॉडी रोल बहुत है इस कार के अंदर आज भी, और बॉडी रोल जो है अच्छे से इतना तरीके से वेल कंटेंड नहीं है, गाड़ी झोलती है। लेकिन अगर आप 100-110 की स्पीड पे भी क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं, तो भाई गाड़ी के अंदर कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्रूज़ करने में और इसके अंदर बॉडी रोल की। बस आप ज़्यादा ही कटवट मार रहे हैं हाईवे पे, बहुत भीड़ वाले हाईवे पे तेज़ चला रहे हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ गाड़ी झोंके खा रही है। बाकी चलाने में कोई वो दिक्कत नहीं है, अकेले बंदा जो चलता है या तीन जने भी अगर इसमें आराम से चलें, तो तीन जनों में भी गाड़ी को कोई भी आपको ये फील नहीं होगा कि कार अंडर पावर है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वैगनार की। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टिल अगर हम प्राइस बजट की बात करें, भाई यहाँ दो वैगनार एक दूसरे को खींच रही है जैसे कि अभी आपने देखा होगा। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो हाँ थोड़ा सा हायर साइड पे ऑफ सीएनजी वाली वैगनार का जा रहा है, और पता नहीं क्यों अब लेकिन सीएनजी सस्ती भी हो रही है दिल्ली के अंदर, लेकिन स्टिल प्राइस जो है वैगनार का सीएनजी में जा रहा है ऊपर। अब गाड़ी लोग सीएनजी इसलिए वैगनार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्पेस है, दुनिया भर की चीज़ें यूजिबिलिटी है कार के अंदर, लेकिन एस्प्रेसो को नहीं लेते लोग, सिलेरियो को नहीं लेते लोग सीएनजी में, क्योंकि जस्ट बिकॉज की वैगनार जो है एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक स्पेशियस प्रोडक्ट है। अब टैक्सी में भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वैगनार को यूज़ किया जाता है क्योंकि बस स्पेस वाइज बहुत अच्छी है। अब मैं बात करता हूँ ऑल्टो केटन के बारे में, तो ऑल्टो केटन के अंदर सेम इंजन आता है, सेम सीएनजी मिल जाती है, लेकिन स्पेस नहीं है, इसलिए लोग उसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते और ज़्यादा लोग लेते भी नहीं है, और थोड़ी सी सेफ्टी वाइज भी वो थोड़ी सी कम है वैगनार के आगे। वैगनार के चलो थोड़ी सी तो सेफ्टी है इसके अंदर, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल उस हिसाब से सेफ्टी नहीं मिलेगी आपको। अब मैं बात करता हूँ गाइज कार को, मतलब अगर आपका रन बहुत ज़्यादा है, अगर मैं आपको बताऊँ आपका यूज़ कब है इस कार का, जब आपका रन बहुत ज़्यादा है, अगर आपका रन है डेली 100 किलोमीटर, तो भाई आंखें बंद करके वैगनार सीएनजी पे चले जाओ, क्योंकि उससे अच्छा प्रोडक्ट आपको नहीं मिला। और अगर आप बिल्कुल अकेले चलते हो और आपको सिर्फ अपने से मतलब है और किसी 3-4 जनों को बैठा के नहीं है, क्योंकि अब ये फैमिली कार है, हम इससे गाँव भी जाते हैं अपने नैनीताल दिल्ली से, तो हमें तो बस ये जम जाती है गाड़ी। लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले रहते हो और मतलब एक दूसरी गाड़ी भी है आपके पास अपना होम टाउन जाने के लिए, तब आप ऑल्टो K10 पे चले जाइए, क्योंकि वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है सीएनजी में। 5 लाख 5.5 लाख रुपये में आपको ऑन रोड पड़ जाएगी वो। बाकी एस्प्रेसो कार भी काफ़ी अच्छी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो गाइज बस यही था इस गाड़ी, इस मैं इसको शॉर्ट ही बोलूँगा, शॉर्ट वीडियो भी बोलूँगा, क्योंकि गाइज इतना ज़्यादा हमने वीडियो कवर नहीं करी। मेन था हमारी इस वीडियो का स्टेयरिंग वाइज और हैंडलिंग के बारे में बताना, बाकी हैंडलिंग वाइज जो है कार एकदम परफेक्ट है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।